आंध्र प्रदेश के निर्माता कहे जाने वाले महान क्रांतिकारी पोट्टी श्री रामलू की जयंती भिलाई तेलुगु समाज द्वारा मनाई गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी शामिल हुए और सभी ने मिलकर पोट्टी श्री रामलू के स्मारक पर उन्हें याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पोट्टी श्री रामलू भारत के एक महान क्रांतिकारी थे। मद्रास राज से अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर उन्होंने आमरण अनशन किया, जिसके कारण अंततः उनकी अनशन के 56वें दिन मृत्यु हो गई। परंतु उनकी मृत्यु ने मद्रास सरकार पर इतना असर डाला कि आंध्र प्रदेश की स्थापना आखिरकार हो ही गई। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के निर्णय के पीछे उनकी असामयिक मृत्यु बहुत बड़ा कारण सिद्ध हुई। आज उन्हीं महान क्रांतिकारी पोट्टी श्री रामलू जी की जयंती भिलाई तेलुगु समाज के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों द्वारा उनके स्मारक पोट्टी श्री रामलू चौक पर इन्हें श्रद्धांजलि देकर मनाई गई एवं इनके कार्यों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। सर्व तेलुगु समाज सहित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पोट्टी श्री रामलू जी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने भी समाज के लोगों के साथ मिलकर स्मारक पर माल्यार्पण किया एवं पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। पोट्टी श्री रामलू जी का जन्म 16 मार्च 1901 में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन की अंतिम लड़ाई के तौर पर पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। विशेष दिन यह है कि रामलू जी का जन्म मद्रास के छोटे से गांव में, इनका जन्म 1901 में हुआ। आज 121वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। इस खुशी में हमारे भिलाई के गौरविंग श्री श्री माननीय श्री बीडी कुरैशी जी की उपस्थिति में और श्यामलाल साहू जी की उपस्थिति में हम इनकी जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इससे गौरविंद होने का और बड़ा क्या हो सकता है। हमारे नगरवासियों को और हमारे समाज के लोगों को बीडी कुरैशी जी, श्यामलाल साहू और हमारे समस्त समाज के लोगों का एक बड़ा ही उपकार रहा है, जिनके सहयोग तन मन धन से हो रहा है और ये कार्यक्रम को हर साल हम सफल मनाते हुए आ रहे हैं। आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह बीडी कुरैशी जी का, श्यामलाल साहू जी और जितने भी अन्य समाज के वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, अपना कीमती समय देते हुए हर साल हर्षोल्लास के साथ शहीद पोट्टी श्री रामलू जी का जन्मदिन मनाते रहेंगे। इसके साथ अपना सब आज के दिन दुनिया के इतिहास में जब तक इतिहास लिखा हुआ है, जब तक उनका नाम अमित है। साथियों, उन्होंने आंध्र की आज़ादी के लिए और आंध्र को प्रदेश बनाने के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया और उनका आंदोलन इतना लंबा रहा, सालों आंदोलन चला और चलने के बाद जब तक मांग पूरी नहीं हुई वो फिंगर स्ट्राइक में भूख हड़ताल में पड़ बैठे रहे। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सब तमाम लोग आंध्र से संबंधित और भी जो प्रोविंस के लोग हैं, राज्य के लोग, उनकी जो संघर्ष रही वो अमित थी, उसको कभी नहीं भूलेंगे। आज हम उनके जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित। पोट्टी श्री रामलू एक ऐसे क्रांतिकारी कहे जाते हैं जिन्होंने तेलुगु भाषा भाषी लोगों के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने मकसद में कामयाब हुए। इसलिए सिर्फ तेलुगु समाज ही नहीं, सर्व समाज इनकी जयंती पर उन्हें नमन करता है और ऐसे संघर्ष की गाथा को सभी को सुनाता भी है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।